कॉलेज ऑफ 24 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताएंगे। इसके बाद आवास योजना के बारे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको कहाँ कहाँ वेरीफाई करवाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गठन हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नया आवेदन किया जाने लगा है। तो इसके लिए ज़रूरतमंद लोगों का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जो लोग, वो आवेदन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस योजना के अंतर्गत गरीब जरूरतमंद लोगों को घर बनाने हेतु रकम उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह रकम गरीब घर बनाने के उपयोग में या फिर घर की मरम्मत के ऊपर खर्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना दो प्रकार से चलाई जा रही है, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो यहाँ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, और यदि आपको ग्रामीण में आते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके बाद हम ग्रामीण के लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि आपको शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया तो चालू हो गई है, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बस आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुछ मापदंड इनके हैं जिनको पूरा करना है आपको, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए आप गरीब वर्ग के लोग होने चाहिए और एक घर की ज़रूरत या पैसे की ज़रूरत घर बनाने के लिए होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है, जिसको आप खुद से या कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से कर सकते हो। हम आपको यहाँ दोनों प्रक्रिया बताएंगे कि आप खुद अपने मोबाइल से भी कैसे आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कैसे करवा पाओगे, इसके लिए भी हम बताएंगे। तो मोदी सरकार का ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन को स्टार्ट कर दिया है, और जो लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट PMAYMIS.gov पर जाएंगे और उसके माध्यम से ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए ये बता दे रहे हैं। चूँकि यह सरकारी योजना है और आप लोगों को पता ही है कि हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और हम यह भी बता देना चाहेंगे कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आपके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। यानी आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले आधार बनवाना होगा। तो अभी इस योजना के लिए जो योग्यता है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो आवेदक है उसकी आयु जो है 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आवेदक के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी आय प्रमाण पत्र। आवेदनकर्ता को उनके इनकम के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है, EWS, LIG, MIG और MIG2। तो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसे आवेदनकर्ता जिनका सालाना इनकम 0 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है, और LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप, ऐसे आवेदनकर्ता जिनका सालाना इनकम 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक है, और मिडिल इनकम ग्रुप, ऐसे आवेदनकर्ता जिनका सालाना इनकम 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है। तो ऐसे और MIG2 जो है इसमें लोग आते हैं जो 12 लाख रुपए से 18 लाख के बीच होते हैं। तो आवेदनकर्ता के पास पहले कोई मकान नहीं होना चाहिए, यानी जो अप्लाई करवाए, जो इसके लिए आवेदन करवा रहे हैं उनके पास पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए, यानी पक्का मकान। और आवेदनकर्ता को पहले से किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आवास ना दिया गया हो, और आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। और EWS या LIG ग्रुप के लिए परिवार का मुखिया महिला होना चाहिए, यानी जो इसमें EWS और LIG ग्रुप है उसमें तो मुखिया होनी चाहिए महिला। और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकम के आधार पर सरकार द्वारा मिलने वाला लाभ आप लोगों को नीचे सारणी में, यानी हम आपको दिखा दें आपको किस तरह से इनकम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो
इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो उसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा, और वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे जो pmay.nic.in है, उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिटीजनशिप असाइनमेंट के विकल्प को चुनना है, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप कुछ और विकल्प दिखाई देगा। तो इसमें आप गंदी बस्ती से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर स्लम डेवलपर्स का चयन करना होगा, अथवा आप अन्य जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट्स अंडर अदर थ्री कंपोनेंट्स वाले ऑप्शन का चयन करना होगा। तो इस तरह से जो उसकी वेबसाइट है वो खुलेगी, उसके बाद आपको यहाँ आना है, बेनिफिट अंडर अदर थ्री कंपोनेंट्स इस पर क्लिक करना है, और आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये वर्चुअल आईडी मांगेगा, यानी आपके पास जो आधार कार्ड होता है उसी से वर्चुअल आईडी जनरेट होता है, तो आपको वर्चुअल आईडी डालनी है, और वर्चुअल आधार कार्ड में जो आपका नाम है वह नाम आपको सेम स्पेलिंग जो आपके आधार में लिखी है सेम वही डालना है आपको। और जैसे ही आप आधार नंबर और नाम डालकर इसमें क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दी गई जानकारी कि आपके आधार कार्ड संख्या और आपके नाम सही है, तो आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जो आवेदन फॉर्म इस तरह का होगा। ये इस तरह से आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसको सही सही पूरा भर लेना है आपको, और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको रख लेना है, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन नंबर का ज़रूरत आपको इसका स्टेटस चेक करने में लगेगा। अब हम आपको बता दें कि इसके लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो। तो सबसे पहले आपके पास तो कॉमन सर्विस सेंटर के पास आपको जाना है, और वहाँ पर आपको बताना है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो एक फ़ोटो लगेगी आपकी, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, और आपका आवेदन करके दे देंगे, एक प्रिंट आउट देंगे जिसे आपको रख लेना है। तो इस तरह से आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भी इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।